भी क्या है भैया, इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में मौजूद हूँ और ये बीचेस के मामले में बड़ा मशहूर है। और ये वाली जो बीच है इसका नाम है सर्फर्स पैराडाइज, यानी जो सर्फिंग करते हैं पानी में उनके लिए अच्छा है क्योंकि वेव्स बड़ी बड़ी होती हैं, सर्फिंग में मज़ा आता है। ये ज़रा नहाने के इन्होंने लगाए हुए कि जो मिट्टी से आ रहे हैं इधर पैर धोले, मिट्टी लेके गाड़ी में ना बैठे या ट्रेन में ना बैठे। ये बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, अपार्टमेंट्स हैं, विलास भी बड़े खूबसूरत मुझे यहाँ पे दिखे। तो बड़ा खूबसूरत सा एक शहर है और ये ब्रिस्बेन से तकरीबन 2 घंटे की, मतलब 1 घंटे की ट्रेन और फिर थोड़ी सी बस आपको लेनी पड़ती है और आप यहाँ पहुँच जाते हैं। खैर ये सब अपनी जगह, ये तो मैंने काफ़ी मेंशन की हुई है उसमें वॉकिंग टेल्स में, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने की है वो ये है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ नोटिस की वो ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो ये होम बिजनेसेस हैं उनको बहुत सपोर्ट किया जाता है और उनको बहुत इनक्रेज किया जाता है और लोगों में भी अवेयरनेस है कि ये छोटे स्टोर से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं राधर देन बड़े बड़े ब्रांड्स में या बड़ी बड़े कॉम्पोस में कॉफ़ी हाउस में। स्टारबक्स यहाँ बिल्कुल नहीं चल इतना नहीं चलता, जो लोकल कॉफ़ी शॉप्स हैं वो ज़्यादा चलती हैं। अब ये देखिए ये मैं इनकी बीच पे हूँ, यहाँ लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है, परमिशन होती है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसकी परमिशन वगैरह होती है। ये सब ने अपना अपना हिसाब किताब लगाया। अब यहाँ पे ये बीट्स का सामान है, पीछे कपड़े थे, इधर जैकेट है और उधर जो है लैंप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पॉइंट भी कि लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, इनेबल। अब ये नहीं कि जी बड़े बड़े चेन ऑफ स्टोर्स को या चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स को आपने जगह दे दी तो जहाँ आम बंदे ने कमाना था वो भी ना कमाए, जो पहले ही अमीर है वो और अमीर हो जाए। तो ये जो हुकूमतें होती हैं दुनिया भर में वो अवाम सेंट्रिक होती हैं, अवाम को ऊपर लाती हैं, ना कि कॉरपोरेशंस को, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल है और ये मैंने यहाँ पे बहुत प्रैक्टिस होते हुए देखी। आई एम श्योर ये दूसरे मुल्कों में भी होगी, मेरा तो अब ज़ाहिर पूरी दुनिया तो नहीं गया मैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मुझे यहाँ के अपने दोस्तों ने भी ये चीज़ बताई थी और मैं जब से आया हूँ मैं यही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि इन्होंने अपने लोकल बिजनेसेस को बहुत इनकरेज करते हैं। इसी तरह का एक बाजार मैंने टर्की में भी देखा था, उस इलाके का मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत ज्यादा नजर आई। तो ये बस बताने का मकसद ये था कि अब इतना ही खूबसूरत बीच हमारा भी है, बन सकता है। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो दूसरे मुल्कों में जाएं, वहाँ पे देखें क्या चीज़ किस तरह बनी हुई है, क्या प्रैक्टिसेस हैं। अब ये देखें यहाँ पे लाइफ गार्ड के इतने अच्छे इन्होंने बनाए हुए इनके डिप्लॉयमेंट यूनिट्स हैं जो बैठ के बीच पे देख रहे हैं। और अभी वो कुछ बच्चे जा रहे थे तो उसने यहीं से माइक पे बोल दिया था कि भाई यहाँ पे आके ना जाएं। तो अच्छा खासा हिसाब किताब बना हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएँ, इन चीज़ों को स्टडी करें, जिन्होंने बनाया है उनसे बनवा लें। और ये इतनी अच्छी सैंड है, अच्छा माहौल है, कोई तंग नहीं कर रहा, सफाई सुथराई का ख्याल है और लोकल बिजनेसेस थ्राइव कर रहे हैं। अब आप कराची में जो सी व्यू है वो कितनी लंबी बीच है, ये उतनी लंबी है भी नहीं। कराची का जो सी व्यू है उसमें आप 20 मिनट गाड़ी चला लें वो ख़त्म नहीं होता। तो वो एक इतनी बड़ी पट्टी ज़ाया हो रही है, उसको अगर हम मैनेज करें सही से और लोकल लोगों को, आम आवाम को हम ये स्टॉल्स बना के दें साफ सुथरे और जहाँ पे उनकी कीमतों का भी तायुन हो। ये नहीं कि जी एक तो मसला ये है कि जी जिस डीसी एसी ने लगवाना है उसी के रिश्तेदारों के स्टॉल या उसके अपने स्टॉल चल रहे होंगे, उसका ही अपना रिश्तेदार बैठा होगा, तो ये चीज़ें ना हो, आम आवाम तक जाए ताकि वो इनेबल हो और वो भी जो है अपनी ज़रा माशियात बेहतर कर सके। एक तरफ हम कहते हैं जी गुर्बत है, ये है वो है, अब सी व्यू बनाया है उसमें से ये स्टॉल लगा रहे हैं, वो स्टॉल लगाने में कितनी देर लगेगी भाई। और ये देखिए इतने अच्छे बाथरूम है, ठीक है ना, बंदा आके शावर भी ले ले और टॉयलेट वगैरह भी है ताकि गंद भला ना हो। ये बने बनाए मॉडल्स दुनिया भर में हैं, इनको सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करना है, ईजाद कुछ नहीं करना। मगर पता नहीं ये क्या मसला है कि ये नहीं हो पाता। इतना बड़ा सी व्यू है, 3 करोड़ का शहर है कराची जिसमें इतना क्राइम बढ़ रहा है, फिर आप कहते हो जी बेरोजगारी है इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। तो इतनी बड़ी सी व्यू की पट्टी है, सी व्यू पे इतना रश होता है एनी टाइम, इतनी आवाम में आने जाने वाली, कीमतें अच्छी हों, कीमतों का तायुन हुकूमत करे, वहाँ पे सेल हो, उनका भी कारोबार बढ़े, आवाम के लिए भी बेहतर तफरी का एक जवाब बन सकता है। बस इतनी सी बात करनी थी, आई होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे। वॉलीबॉल चल रहा है, बस वही जो फिल्मों में हमने देखा है वही चीज़ यहाँ सामने चल रही है। चलें जहाँ जहाँ हैं अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान बेहतरीन। शुक्रिया। आज ये थोड़ा सा एडिशन, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिली, ये एक बाजी हैं ये यहाँ पे, ये सीपियाँ जो हैं इनकी बीट्स बना के बेच रही हैं। तो ये चूँकि समंदर से कलेक्ट होती हैं, मिट्टी होती है, तो इन्होंने एक पानी का बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है और ये पानी यूँ चल रहा है और यहाँ से होकर मोटर लगी हुई और घूम के वहाँ से आ रहा है, साथ ही साथ सफाई भी कर रही है। या आप अपनी ले आओ सीपी कोई, ये आपको धागे में डाल के बेहतरीन बना के दे देंगे। तो इस चीज़ के मैं अब देखें $50 $65 $80 अबे $80 ले रही है,
इन जेम स्टोन्स के, अबे बहुत बड़ा कारोबार है दुनिया में और पाकिस्तान भरा पड़ा है जेम स्टोन से। तो बस ये बात बता दी, थैंक यू।